अगर आप दिल खुश कर देने वाले सीनिक बीचेस, प्राचीन मंदिर के शांत वातावरण, नेचर के काफी करीब ऐसे किसी जगह जाना चाहते हो, वो भी मुंबई से केवल 180 किलोमीटर दूर, तो आइए हरे हरेश्वर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माइस्ट्रो एक्सप्लोर चैनल। और आज ब्रांड न्यू जगह पे ब्रांड न्यू वीडियो आप लोगों के पास लेकर आ रही हूँ। दिस प्लेस इज नॉट लेस देन अ मैजिकल प्लेस, आई कैन से इट इज नन अदर देन दी हरी हरेश्वर विच इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेस आता है। सो हरी हरेश्वर में बेसिकली मंदिरें बहुत है, इक्वली बीचेस भी उतने इक्वल क्वांटिटी पे आपको मिलेगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड सिद्धेश एज वेल इन हरिहरेश्वर। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे ठहरे हैं, कैसे आए, यहाँ पे कौन से लोकेशंस में हम लोग घूमने वाले हैं, ये सारी जानकारी बजट के साथ मैं आपको इस वीडियो पे देने वाली हूँ। सो जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड जस्ट एंजॉय दिस व्यू। सो दोस्तों, हरिहरेश्वर आने का बेस्ट तरीका है खुद की गाड़ी। हरिहरेश्वर वैसे आप ट्रेन या बस से भी आ सकते हो, और ट्रेन से मानगांव स्टेशन उतर के वहां से ऑटो, टैक्सी या फिर लोकल बस पकड़कर आप यहां पे पहुंच सकते हो। सो हरिहरेश्वर टेंपल में ही आपको गणेश गली भी मिलेगी, प्लस आपको हरिहरेश्वर का बीच भी मिलेगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे आप गणेश जी और हनुमान जी के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश एंड पार्वती जी का भी एक ही जगह पे आप दर्शन ले सकते हो। सो पूजा के लिए हम लोग ने थाली लिया है। दिस इज़ हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक। छोटू सा है बट कितना ब्यूटीफुल और शांत है यार। इतने लोग हैं अंदर, बाहर पार्किंग में तो दिखे। और ये हरिहरेश्वर मंदिर है, और ये रहा काल भैरव मंदिर, दिस वन। पहले आपको यहाँ पे दर्शन लेके देन यू आर सपोज टू गो टू हरिहरेश्वर मंदिर। हरिहरेश्वर मंदिर के सामने ही एग्जैक्टली आपको ये समंदर मिलेगा, बीच। कल एक्चुअली हम लोग शाम को सनसेट के वक्त यहाँ पे आए थे, ये स्कूल के बच्चे छोटे छोटे पिकनिक के लिए आए शायद। और यहाँ पे सैकड़ों भक्त निवास बने हैं। हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। हरिहरेश्वर मंदिर नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट का एक बढ़िया अनोखा कॉम्बिनेशन है। महाबलेश्वर से बहती हुई सावित्री नदी हरिहरेश्वर में इसी जगह अरेबियन सी यानी अरब सागर में मिलती है। हरिहरेश्वर मंदिर 1674 से भी पहले बांधा गया था ऐसा कहना है। 1723 में बाजीराव पेशवा जी ने इस मंदिर को रिनोवेट किया था, जिसकी झलक आपको टेंपल के अंदर आज भी दिखेगी। गर्भगृह में आप शिव, पार्वती, विष्णु और ब्रह्मा जी के दर्शन आप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग दर्शन ले लोगे हरिहरेश्वर मंदिर में, वैसे ही आपको पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ ही परिक्रमा मार्ग मिलेगा, जिसको प्रदक्षिणा मार्ग मराठी में कहते हैं। सो इट हैज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप्स, जहाँ पे आपको चल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा एंड देन ऐसा थोड़ा नीचे की तरफ स्लैंटिंग पोजिशन में स्टेप्स बनाया हुआ है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज गणेश गली। तो आपको हरिहरेश्वर मंदिर के साथ गणेश गली भी आप देख सकते हो, और एग्जैक्टली सामने आपको मिलेगा हरिहरेश्वर का बीच। सो अभी प्रदक्षिणा तो हम लोग ने चालू कर दिया है, एंड सो फार इट इज गोइंग गुड। सो समंदर का ऐसा एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। मेरा पति गायब हो गया लगता है। मेरा पति है। प्रदक्षिणा मार्ग, जिसे आज के तारीख में गणेश गली के नाम से पुकारते हैं, इसे चंद्रराव मोरे ने बांधा था। दो बड़े रॉक यानी दो बड़े पत्थर के बीच में से 3 फीट का नैरो पैसेज यहाँ पे बनाया हुआ है, और कहते हैं गणेश जी की मूर्ति 30 फीट गहरे पानी में इसी जगह पर डूबी हुई है, जिसे आप सिर्फ लो टाइड के वक्त ही देख सकते हो।
और ये काले पत्थर को लगकर जो सी वेव्स ऊपर की तरफ उठकर आता है वो नज़ारा आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बस दोस्तों, रास्ता यहाँ का थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा ख़राब भी है, और देखो यहाँ पर इतना रिस्क उठाकर टूटे फूटे पत्थरों के भरोसे हम बस ये व्यू आपको दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं। सो इस एफर्ट्स के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। Sitting right in front of the beach. और interestingly ना यहाँ पे कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। सो अपने आप में एक experience हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। हरिहरेश्वर के मंदिर से 20 किलोमीटर दूर अभी हम श्रीवर्धन के सोमजाई देवी मंदिर में आए हैं। टिपिकल कोंकणी स्टाइल में ये मंदिर को बांधा गया है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इस मंदिर से जुड़ी है। इस गांव में किसी को भी अगर स्नेक यानी सांप अगर काट ले तो कोई भी यहाँ पर डॉक्टर के पास नहीं जाता है, बल्कि उसे ठीक करने इसी सोमजाई मंदिर में लेकर आते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉप पे अब हम आए हैं टू दी वेरी फेमस, नॉट रियली वेरी फेमस, श्रीवर्धन बीच, जो बहुत शांत है। और ऊपर से हम लोग वीक डे में आए हैं तो शांति ही शांति है चारों जगह पे। एक बड़ा सा कोस्टल रीजन है जहाँ पे दूर दूर तक मुझे ना इंसान दिख रहे, बट एक छोटी सी बेबीज है जो अभी फिलहाल खुजाने में बिजी है। वीकेंड गेटवे के हिसाब से आप देख सकते हो हरिहरेश्वर में श्रीवर्धन है, और यहाँ से और थोड़ा किलोमीटर्स में आगे अगर आप जाओगे तो आपको दिव्य अगर बीच भी मिलेगा। दिखाओ। हाय बेबी, हाय, ओए। हमारा बेबी को हमने पेट बोर्डिंग में छोड़ा है तो कमी पूरा कर रहा है। करने के लिए एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये छोटा एटीवी राइड है वो तो हर बीच लोकेशन में आप देख ही सकते हो। एटीवी राइड के अलावा हॉर्स राइड्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। श्रीवर्धन बीच से थोड़े ही दूर आप आरवी बीच, कुंडविल बीच, दिव्यागर बीच जैसे और काफी बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। श्रीवर्धन काफी क्लीन और वेल मेंटेन्ड बीच है, सो यू कैन हैव अ प्रीटी गुड टाइम हियर। कोंकण रीजन में ना बेसिकली एक आने का अलग ही मजा है। यहाँ पे कौन से भी लोकेशन में आप देख लो, मैंने बहुत पहले कुछ एक दो साल पहले मैंने आरे वारे बीच का भी डाला था गणपतिपुळे के यहाँ पे, जो इतना क्लीन बीच है यार, इतना प्यारा बीच। वैसे ही सेम हमें यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है, ना एक प्लास्टिक बैग दिख रही है ना एक प्लास्टिक बॉटल दिख रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड इवन शेड्स अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट शेड है, तो यहाँ पे जब भी आप आओगे ना उसका मजा ही कुछ अलग मिलेगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथ, बीच में आके आप एंजॉय कर सकते हो। वैसे कपड़े आप लेकर आइए यहाँ पे, एंजॉय कीजिए एंड देन यू कैन गो फ्रॉम हियर। बट आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ पे आके बहुत सारे आप मेमोरीज जरूर कलेक्ट करके जाओगे यहाँ से। सो इट्स टाइम फॉर सम लंच गाइस। सो लंच के बाद हमने रूम में जाकर रेस्ट किया एंड अब हम आए हैं हरिहरेश्वर बीच। एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कपल की अगर शादी हो गलती से तो उनकी जिंदगी कुछ ऐसे गुजरती है दोस्तों, देख लो। One, hey Ram, one, two, three.
आज हरिहरेश्वर बीच जहाँ पे हम लोग सुबह मंदिर में आए थे वहीं पे हम लोग आए हैं बीच की तरफ। तो सनसेट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यार हरिहरेश्वर बीच में जो सनसेट मिलेगा ना शायद ही आपको किसी बीच में मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ आई रियली वॉन्ट टू एंजॉय द सनसेट व्यू अलॉन्ग विद यू गाइज, बट आप पहले व्यू देखो फिर बाद में मेरे साथ एंजॉय करो। So we are right now staying in this very beautiful property called as Shivank Palace. Homestay जैसा है जो है हरिहरेश्वर में and hardly like 1 kilometer के आसपास ही है वो हरिहरेश्वर मंदिर and ये हमें मिला 1000 में per night. So I guess that is a very pretty deal क्योंकि यहाँ पे अलीबाग जैसे आपको options नहीं मिलेंगे ढेर सारे, सो जितना उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा ब्रो। एंड वॉशरूम इज ऑल्सो क्वाइट डीसेंट एंड दे हैव दिस 1+1 का प्रॉपर्टी, मतलब नीचे भी रूम्स है एंड ऊपर की तरफ भी रूम्स है, सो यू कैन ऑप्ट आउट ईदर ऑफ देम। एसी का भी फैसिलिटीज है बट वी हैव नॉट ऑप्टेड आउट फॉर एसी वाला थिंग क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ये टाइम पे। अच्छा खासा ठंडा ठंडा लग रहा है अंदर रूम के अंदर, सो वी डिडंट ऑप्ट फॉर इट। सो आज हमारा आखिरी दिन है हरिहरेश्वर में, कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल रहे। आई रियली होप हरिहरेश्वर तो मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा और उतना ही पीसफुल आप लोगों को भी लगा रहेगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसे और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के पास लेके आने के लिए मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करना, शेयर कर लेना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलना। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट व्लॉग, बाय।